कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ तेरे को नीटी करना है, तेरे को एनडीए करना है? उसने 2 साल तक चॉकलेट का त्याग किया था कि मैं आईआईटी में सिलेक्शन होगा उसके बाद ही चॉकलेट खाऊंगी। ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी राम सिंह का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो क्या हनुमान सिंह वाला भी बने? इंस्टाग्राम है, कोई फेसबुक है, कोई यूट्यूब है, सब बच्चे इसी में लग जाते हैं, तो एक के बाद दूसरी रील, दूसरे के बाद तीसरी रील। क्या उम्मीद रखते हो आपकी बहन से आप? पता नहीं पता नहीं जी। नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बिचर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा घोषित जेई एडवांस के परिणामों में 12th के साथ पहले ही परिणाम में एक बेहतरीन स्कोर के साथ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कॉलेज में दाखिला लेने वाली पीसीपी सीकर की एक मेधावी बेटी बेटी दिव्या हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले तो दिव्या, आपके इस बेहतरीन स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हुआ। पूरा परिवार मेरे बीच मौजूद है। मेरे जस्ट बाईनी तरफ दिव्या 2024 बैच की सिलेक्टेड है और बड़ी उपलब्धि तो ये है कि दिव्या साथ में ही 2 बार एनडी एग्जाम भी पास कर चुकी हैं। दिव्या के बिल्कुल पास में दिव्या के पिताजी श्रीमान मनोज जी चौधरी हैं। आप पेशे से एक सफल कारोबारी हैं, सफल व्यवसायी हैं और आप दिव्या की कजन सिस्टर संजीवनी हैं। संजीवनी वर्ष 2018 के बैच में नीट में सेलेक्टेड होके आज अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। आप दिव्या की माताजी श्रीमती मीना जी हैं और आप दिव्या की छोटी बहन अलंकृता। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो आप। दिव्या, आपका परिचय और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मेरा नाम दिव्या है, मैं पिलानी झुंझुनू से हूँ। 9th क्लास में यहाँ पे प्री फाउंडेशन में एडमिशन लिया था, फिर 10th में भी यहीं से की, 11th 12th, और 12th में 2 बार एनडीए रिटर्न एग्जाम क्लियर किया। बहुत बढ़िया। एक बार एसएसबी में जाके आई। जी जी जी। और फिर जेई मेंस, जेई एडवांस क्लियर किया। तो ये सपना किसका था कि आपको ये करना है? सपना मेरा और मेरे परिवार, हम सबका ही था। सबका ही सपना था। तो पहले तो पिताजी बता रहे थे कि आपका सपना एनडीए में जाने का था, भारतीय सेना में या देश की तीनों भी जो सेनाएं हैं उनमें लेफ्टिनेंट बनने का था। यस सर। तो एकाएक ये सपना इस भारत के आईआईटी जगत की तरफ हो जाता है, ऐसा क्यों? एनडीए के साथ साथ अगर आईआईटी की तैयारी करते हैं तो माइंड थोड़ा शार्प होता है। जी जी बिल्कुल। आईआईटी की तैयारी करने से और उसमें एनडीए में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो एनडीए के आपने अलग से कोई तैयारी नहीं की, आपने तो आईआईटी के बैच में फाउंडेशन बैच में आप बैठते थे, तो फिर एनडीए की एग्जाम कैसे पास कर ली? सिलेबस क्या लगभग सेम थोड़ा होता है? नहीं, सिलेबस मैथ्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो ऑलमोस्ट वही होता है, बाकी जीके और इंग्लिश, इंग्लिश मैंने साइड टू साइड पढ़ी है और जीके 10th बेसिस पे क्लियर। एक मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जेई मेंस और एडवांस का जो लेवल है और सिलेबस है, इसमें काफ़ी अंतर आता है, काफ़ी डिफरेंस रहता है, तो आप अपने जूनियर को कैसे गाइड करोगे कि आप किस प्रकार से पढ़े कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले आप? जूनियर को यही गाइडेंस मैं देना चाहूँगी कि क्लास में ध्यान देना है, टीचर्स जो कहें उनकी बात माननी। जी, बस टीचर्स की गाइडेंस फॉलो की है और आज एडवांस क्लियर हो गया। बिल्कुल, टीचर्स की गाइडलाइन को फॉलो किया, सिस्टम पर भरोसा किया। जी सर। तो आपका प्रिंस का 4 वर्षों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत बढ़िया। बताइए। 9th में और 10th में उधर हीजा हाउस में थी मैं। जी जी जी। और वहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे मैंने बैडमिंटन में भी पार्टिसिपेट किया था। बहुत बढ़िया। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और फिर वही यहाँ पे प्री फाउंडेशन की तैयारी चल रही थी साथ साथ में। एडवांस में अच्छी रैंक के लिए स्टूडेंट को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? एडवांस में अच्छी रैंक लाने के लिए केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और ऑर्गेनिक की स्पेशली एनसीईआरटी पूरी कवर करनी चाहिए। और फिजिक्स, मैथ्स और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के लगातार क्वेश्चंस करने चाहिए। जी जी। अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस। 2 वर्षों तक हिजा उसमें रही। जी सर। 2 वर्षों तक पीसीपी के गार्गी हॉस्टल में आप रहे, तो कुछ मेमोरेबल चीज़ें यहाँ की? मेमोरेबल चीज़ें तो वही है कि जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पे डांस होता है, वो बहुत पसंद था। जी जी। करते थे आप डांस? जी सर। क्या बात है। मनोज जी नमस्कार, बेटी के बड़ी सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर। हमने तो 9th में इसको यहीं पे सौंप दिया था। प्रिंस के बारे में आपको सजेस्ट किसने किया? नहीं, मेरी भांजी है, पहले यहाँ से पास आउट हो गई। अच्छा, भांजी 2018 के बेच में? 18 में। इसके बाद मेरा भांजा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है यहाँ से, अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज से। इसके बाद 3रा नंबर इसका आया था और 4था उसका आ जाएगा। अलंकृता। तो सर आप क्या करते हो? मैं सर इसका कोल्ड ड्रिंक का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। तो ये 4 वर्षों तक प्रिंस में पढ़ी है, तो कई गांव के लोगों ने ये नहीं कहा कि गांव ढाणी की बेटी है तो यहीं पढ़ लेगी क्या?
बहुत कहते हैं सर, लेकिन बस अपना यही था कि ये कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, आगे फ्यूचर में किसी की तरफ नहीं देखना पड़े। एक पिताजी का कितना सहारा रहा है बेटी? हमारा तो जितना हो सकता है हम तो करते ही हैं जितना। नहीं वो तो पैसों का तो रहा है, आपने अच्छी पैसे लगा दिया, अच्छी स्कूल में पढ़ा दिया, और किस प्रकार का बेटी को सहयोग रहा है? नहीं हमारा सहयोग ये है कि हमारी तरफ से इसको फ्रीडम था कि ये किस लाइन में जाना चाहती है, ये क्या चूज करना चाहती है। कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ तेरे को नीट ही करना है, तेरे को एनडीए करना है, या फिर तेरे को और कुछ करना है, जो ठीक लगे वो। हाँ सबसे बड़ी चीज होती है कि इसका इंटरेस्ट किस में बच्चे का। बिल्कुल थोपड़ा नहीं है। हाँ थोपना, ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी राम सिंह का बेटा डॉक्टर बन रहा है तो हनुमान सिंह वाला भी बने। नहीं नहीं थोपना बिल्कुल नहीं है। मीना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप थैंक यू सर। क्या कहना आज क्या कहना चाहोगे? हम बहुत खुश है सर, इसको IIT मिल गई, इसका सपना पूरा हो गया। इसने 2 साल तक चॉकलेट का त्याग किया था कि मैं IIT में सिलेक्शन होगा उसके बाद ही चॉकलेट खाऊंगी। 2 साल इसने चॉकलेट नहीं खाई, चॉकलेट की कुछ चीज ही नहीं खाई इसने, बिस्किट वगैरह हम दे के जाते थे ना। तो ये तो वो कर लिया, जब जैसे कई बार परिवार में ऐसा कोई काम हो जाता है, गंगा जी जाते हैं हाँ, तो वहाँ पर कोई ना कोई चीज का छुटकारा देते कि आज से मैं ये नहीं खाऊंगा ये नहीं पीऊंगा। तो इस बेटी ने तो ऐसे ही घर पर मानस बना लिया कि मैं जब तक मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं होगा ना मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, चॉकलेट नहीं खाऊंगी। अब तो खा ली, अब खा रही है सर, बहुत खा रही है। आज भर तुड़वा दे चॉकलेट वाला। नहीं जिस दिन IIT BHU मिल गया था इसको उसी दिन से शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटी PCP में पढ़ी तो माताजी आ जाती महीने में 1-2 बार मिलने के लिए? आप महीने में 2 बार आते थे सर। 2 बार आते थे बेटी को देख के क्या चलो ठीक हाँ, हाँ। तो कैसा लगता था यहाँ पर बेटी को देखते कि हाँ बेटी एकदम सुरक्षित हाथों में? मतलब मैन तो यही है कि यहाँ पर मोबाइल नहीं है तो बच्चे पढ़ लेते हैं। अच्छा ये मोबाइल ठीक नहीं है आज के बच्चों के लिए? नहीं। कारण क्या है कि मोबाइल से बच्चा क्यों बिगड़ रहा है? मोबाइल का अगर सदुपयोग किया जाए तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। अच्छा रिजल्ट भी आता है? सर रिजल्ट आता है, लेकिन ये इंस्टाग्राम है, कोई फेसबुक है, कोई यूट्यूब है, सब बच्चे इसी में लग जाते हैं, तो एक के बाद दूसरी रील, दूसरे बाद तीसरी रील, ऐसे ही चला रहता है। उस रील के चक्कर में 5 मिनट के लिए लेते हैं, 10 मिनट का, आधा घंटा, आधे घंटे का, 1 घंटा हो जाता है। उस रील देखने के चक्कर में घर वालों की रील बन जाती है, फिर बढ़ती है, फिर रिजल्ट नहीं आता है। तो यही है बस मैन, यही है इसको उपयोग में लेने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? अलंकृता। अलंकृता कैसा लग रहा है आज आपकी बड़ी बहन IITians बन चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद रखते हो आपकी बहन से आप? पता नहीं। पता नहीं। संजीवनी PCP पालवास रोड की होनहार छात्रा रही है, वर्ष 2018 के नीट के बैच में सेलेक्टेड होकर आप RUHS से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर चुके हो, अब आगे आप PG का एग्जाम दिया, PG के एग्जाम के लिए तैयार है आप, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपका RUHS मेडिकल कॉलेज का रहा है, 1 साल का आपका PCP का भी रहा है। देखिए गौरतलब है कि दिव्या भी 12th के साथ ही पहले प्रयास में JEE में सिलेक्टेड हुई है, संजीवनी 12th के साथ पहले प्रयास में नीट में सिलेक्टेड हुई है, और यही चीज आपकी PCP को सबसे अलग बनाती है। आपके PCP सीकर बच्चों को 12th के साथ में सिलेक्शन देने का काम करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि वरदान साबित हुआ सर, वरदान साबित हुआ है, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो और कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार है, ये दस्तूर है दुनिया का। तो बताइए संजीवनी आपकी पहल तो 1 वर्षों की प्रिंस की जो सरोणी में यात्रा रही, और RUHS मेडिकल कॉलेज का जो 4 वर्षों का आपका सफर रहा है, इसके बारे में? मैं 12th स्टैंडर्ड में आई थी यहाँ पर जी जी, और 1 साल बहुत ही अच्छा निकला। मेरे जो टीचर थे स्पेशली ऐसे थैंक्स टू राकेश सर जी, 6 साल पहले आई थी, तो उसके बाद RUHS कॉलेज अलॉट हुआ था और BDS अलॉट हुआ था, MBBS की जगह बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जी जी, जी, जी। लोगों को थोड़ा सा रहता है कि नहीं BDS थोड़ा सा हल्का है एज कम्पेरेटिव टू MBBS, ऑल्दो ड्यूरेशन सेम है जी, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इंटर्नशिप है, सेम वही सब्जेक्ट्स हैं, बट इतना कहना चाहूँगी कि BDS अपने आप में एक स्पेशलिटी है। बिल्कुल। और उसके बाद आप PG करते हो तो वो सोने पे सुहागा बोला जा सकता है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए थोड़ा। मेरे पापा टीचर हैं जी, और डॉक्टरेट हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर जी जी जी, और मेरी मम्मा अभी फिलहाल हाउसवाइफ हैं। सो पापा का थोड़ा एजुकेशन के टूवर्ड्स हमेशा से ज्यादा रहा है। बहुत बढ़िया। दिव्या ने ज्ञान की ज्योत और ज्ञान की मशाल जलाकर एक दिव्य प्रकाश फैलाने का काम किया है। आप अपनी प्रिंस PCP की जो सरोणी में 4 वर्षों की यात्रा है, आपके मैं जानना चाहूंगा कि एक ऐसी बेटी जो 12th के साथ ही NDA एग्जाम पास कर लेती हैं, 12th के साथ ही आप JEE में सिलेक्शन ले लेते हो,
तो आपका किस प्रकार से स्टडी प्लानिंग था, क्या आपका डेली रूटीन था? स्टडी रूटीन तो यही था, सुबह 5 बजे वार्डन मैम उठा देते हैं, फिर उसके बाद 6 बजे से सेल्फ स्टडी होती थी न्यू पीसीपी में, वहाँ सेल्फ स्टडी जाते थे, 12 बजे लंच होता है, फिर उसके बाद क्लासेस होती थी, और जेई मेंस के बाद तो क्लासेस भी रुक गई थी, तो पूरे टाइम सेल्फ स्टडी में ही रहते थे सर, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे दिन सेल्फ स्टडी चलती थी। आपकी सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है, सफलता का श्रेय किसको देते हो आप? सक्सेस का क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और यहाँ के सिस्टम को ही दूंगी सर। तो अंतिम कमेंट्स के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपके जूनियर है जिनका भी सपना है कि वो भी दिव्या की तरह वो IIT में जाए, तो उनके लिए आप क्या संदेश दोगे, किस प्रकार की कोचिंग संस्थान का चयन होना चाहिए जो प्रत्येक शिक्षा के मापदंडों पर खरी उतरे? अगर IIT JEE नीट में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो कोचिंग ही आती है कि कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करते हैं, हर कोचिंग का अलग अलग सिस्टम होता है पढ़ाने का, तो मेरे हिसाब से मैंने PCB में पढ़ाई की है तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा है यहाँ का सिस्टम। और फिर टीचर्स होते हैं, टीचर्स से गाइडलाइन लेने की होती है कि हेजिटेट नहीं करना, टीचर्स से जो डाउट्स हैं वो सब पूछने हैं जी, और साथ में क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन, JEE में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस डिस्कस करना है क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस करने, बिल्कुल, और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस लगाने होते हैं एडवांस के लिए। राजस्थान के झुंझुनू जिला खेड़ला का वास हनुमतपुरा गांव चेड़ावा तहसील का चौधरी परिवार, जिस परिवार की ये पहली बेटी जिसने 12th के साथ में JEE में सिलेक्शन लेके आज भारत की IIT कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चली गई, इसी परिवार की बेटी 2018 के बैच में आते हैं डॉक्टर बन गई। आप ही के परिवार का आपका भांजा जो भी यहाँ से डॉक्टर बन के निकल चुका है, और परिवार की चौथी बेटी भी IIT या नीट के लिए तैयार होने जा रही है, तो संपूर्ण परिवार आज गौरवान्वित है। मैं आप तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी सपना है कि आपका लाड़ला भी दिव्या और संजीवनी की तरह IIT और नीट में कुछ बड़ा करे, तो आप PCP सीकर का दामन थामे, निश्चित तौर से हम स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए आपके लाडलों का शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण और संतुलित विकास करने के लिए सदैव तैयार है।